हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल सो आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है सो लेट्स बिगिन द सेशन सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की कंप्यूटर तो आपको पता है क्या होता है हार्डवेयर हार्डवेयर में क्या रहेगा वो कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स जिससे हम टच कर सकते हैं जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा है इट इंक्लूड्स द फिजिकल टेंजिबल पार्ट कम्पोनेट्स ऑफ अ कंप्यूटर सचैस सी पी यू मोनीटर की बोर्ड कंप्यूटर डेटा स्टोरेज ग्राफिक कार्ड साउंड कार्ड स्पीकर एंड मदरबोर्ड तो हार्डवेयर वो रहते हैं उन डिवाइज को जिन्हें हम टच कर सकते हैं एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी सी पी यू मोनीटर वगैरह हार्डवेयर इज़ टिपिकली डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और इंस्ट्रक्शन A combination of hardware and software forms a usable computing system, although other system exist with only hardware components. तो जैसे कि इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो हार्डवेयर के बारे में आपको पता चल गया कि टेंजिबल डिवाइसेस जिन्हें हम टच कर सकते हैं टेंजिबल का मतलब ही ये होता है जिसे हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर की बात करें जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कंप्यूटर क्या करता है ये कंप्यूट करता है कैलकुलेट करता है तो बेसिकली इट इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसे कि हम प्रोग्राम्स कहते हैं गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें इनप्यूट इनपुट देते हैं ठीक है फिर आपकी क्या होती है प्रोसेसिंग देन हमारे पास क्या आती है आउटपुट राइट right? ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनपुट जो रहती है वो आपकी रहती है रॉ और जो आउटपुट आती है उसे हम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन और आउटपुट कब आती है जब आपका इनपुट आपकी प्रोसेस्ड हो जाती है बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की तो वे हैं चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो वे आएंगे एलन ट्यूरिंग ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तो इसके अंदर आपको चार पार्ट्स देखने को मिलेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र डेटा हार्डवेयर की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया है फिज़िकल एंड टेंजिबल कम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक सी पी यू मोनीटर और आपका कीबोर्ड माउस और भी बहुत डिवाइसेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं या आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर का कोई भी टास्क करने के लिए यूज़र की बात करें जो कंप्यूटर को यूज़ करता है कंप्यूटर ऑपरेटर उसको हम बोलते हैं यूज़र जैसे कि आप भी कंप्यूटर यूज़ करते हो मैं भी कर रही हूँ तो हम सब क्या हो जाएंगे यूजर डेटा की बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा क्या था आपका जो हम इनपुट देते हैं बताया था ना जो रॉ फॉर्म में होती है तो ये आपकी होती है डेटा राइट right? और जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है आउटपुट जिसे हम क्या कहते हैं बेटा इंफॉर्मेशन बात ये देखिए मैंने फोटो लगाई है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर में आ गए आपके कीबोर्ड माउस मोनीटर सीपीयू सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल रही होंगी माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट्सेट्रा अब हम देखते हैं हार्डवेयर के अंदर आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं तो हार्डवेयर में देखने को मिलेगा आपको इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस इनपुट में रहेगा कीबोर्ड माइक्रोफोन माउस वेब कैमरा टच स्क्रीन लाइट पेन और कौन कौन सी है ओ सी आर एम आई सी आर बी सी आर स्कैनर ये सब हैं आपकी कौन सी इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद जब हम देते हैं इनपुट तो इनपुट के बाद वो डेटा होता है प्रोसेस तो प्रोसेसिंग कहाँ होती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम रोम एस एम पी एस फिर आती है आपके पास आउटपुट जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलती है वो आउटपुट डिवाइसेस पे तो कहाँ पे देखने को मिलेगी मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर तो देखिए जैसे कि आप जब एडमिट कार्ड निकलवाते हो अपना तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं राइट तो आपको अक्सर पेपर में पूछा जाता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं तो वे है आपकी प्रिंटर एक होता है आपका प्लोटर ये भी आता है आपका आउटपुट डिवाइस में ये रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था अब देखिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसे हमें स्टोर भी करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क फ्लैश मेमोरी मैग्नेटिक टेप ठीक है तो ये सब आपके आगे हार्डवेयर ठीक है तो आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट डिवाइस तो आपको चार इनपुट आपको तीन आउटपुट डाल देंगे और एक उसमें इनपुट डिवाइस डाल देंगे तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनपुट है तो ये आपको सभी की सभी याद होनी चाहिए अब अगर हम बात करते हैं आपकी इनपुट की जब हम इनपुट करते हैं एंटर तो इनपुट में रहता है ना आपका डाटा वो प्रोसेस होता है फिर उसके बाद आपका क्या आता है आउटपुट तो इनपुट के लिए हम ये इनपुट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जब प्रोसेसिंग होगी तो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं और इन सब को स्टोर करने के लिए मतलब जो आपकी आउटपुट आती है इन्फॉर्मेशन आती है उसको स्टोर करने के लिए हम करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ ठीक है अगर हम बात करें आपके कीबोर्ड की तो अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 104 हंड्रेड फोर ठीक है कौन कौन सी हैं उसके अंदर आपको पूछ लेंगे फंक्शनल कीज कितनी है तो वो है आपके F1 से F12 ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी एरो कीज की तो वो कितनी है आपकी चार स्पेशल कीज आपकी कितनी है तो स्पेशल कीज की बात करें तो वो हैं आपकी तीन कौन कौन सी हैं होम बटन आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं एंड बटन बैक बटन ठीक है एंटर ऑल्ट ठीक है तो ये सब हैं आपकी तो ये हैं आपकी स्पेशल कीज़ ठीक है मोडिफायर कीज़ आपकी तीन है जिसके अंदर आपका आ जाएगा मोडिफायर कीज़ में जो तीन हैं आपकी कंट्रोल ऑल्ट और एक रहेगा आपका शिफ्ट ठीक है टोगल कीज़ की बात करें टोगल कीज़ वो होती हैं जो लॉक करती हैं तो कौन कौन सी होती हैं आपकी एक होता है ना आपको देखने को मिलेगा आपके कंप्यूटर के अंदर नम लॉक देखने को मिलता है स्क्रीन लॉक देखने को मिलता है एक लॉक और होता है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है आगे हम देखते हैं इनके फीचर्स क्या हैं द फॉलोइंग फ़ीचर करेक्टराइज दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन स्पीड एक्यूरेसी स्टोरेज एंड रिट्रीवल रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ फिर रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लो कॉस्ट तो ये सब हैं आपकी इसके फीचर्स अच्छा जो आपका कीबोर्ड है उसमें आपका बेसिकली पूछ लिया जाता है कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसका आपका तो हम यूज़ करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये वाले आपका यूज़ होता है ठीक है अब हम बात करते हैं आगे सॉफ्टवेयर की तो इसका हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में देखेंगे अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की तो देखिए सी पी आपका आएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में सी की फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे हम क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे मॉनिटर सीपीयू मदरबोर्ड तो ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको इसमें टिक करना है सीपीयू सी पी यू क्या करेगा इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टोर करेगा डेटा को फिर उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा और ये ऑपरेट करता है ऑल पार्ट्स कंप्यूटर के ठीक है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर आपको ये कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे सबसे पहले जैसे कि हमने बात की सी पी यू की सी पी यू को हम सेंट्रल प्रोसेसर मेन प्रोसेसर जस्ट प्रोसेसर ऐसे भी कहा जाता है सी पी यू परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाई द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम तो सी पी यू आपके कौन कौन से काम कर रहा है अरिदमेटिक जैसे अडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन मल्टीप्लीकेशन लॉजिक में आपका आ जाएगा एंड और कंट्रोल करेगा फिर ये आपके इंस्ट्रक्शनस को नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की जैसे इसका नाम ही बता रहा है कंट्रोल सो so ये क्या करेगा इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस सो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा आपका इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ठीक है दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन तो बेसिकली ये सिर्फ कंट्रोल करेगा सारे ऑपरेशन को ए एल यू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में तो वो है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे कि यहाँ पे बताई गई है तो देखिए अरिथमेटिक जैसे मैंने आपको बताया एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। लॉजिक में आपका क्या आ जाएगा ये ऑपरेशंस आपके एंड और बात करें डिसीजन मेकिंग भी करता है कंपेयर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन तो देखिए जो आपका ए एल यू है ए एल यू है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर्स ए एल यू इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स मेमरी लोकेशन बिल्ड डायरेक्टली इन टू दीपी यू दैट आर यूज टू होल्ड डेटा दैट आर बींग प्रोसेस्ड बाय द करंट इंस्ट्रक्शन तो जैसे कि मैंने आपको बताया सी पी यू के अंदर है आपका ए एल यू ए एल यू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रजिस्टर्स रजिस्टर्स क्या हैं ये स्मॉलिस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है जो कि सी पी यू के अंदर देखने को मिलेगा ऑल डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन ए रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड तो जो भी डेटा आपकी जो भी इनपुट हम देते हैं वो सब जो आपका डेटा जाता है प्रोसेसिंग से पहले आपका जाएगा रजिस्टर के पास ठीक है अब हम देखते हैं मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगी एक रहेगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक रहेगी सेकेंडरी प्राइमरी में रहेगा आपका रैम रोम फिर रैम की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगी रोम की भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगी ये हम आगे PPTs में देखते हैं सबसे बात कर पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले रैम रैम की फुल फॉर्म क्या है पेपर में पूछी जाती है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमरी ये इसके अंदर इट इज़ द इंटरनल मेमरी ऑफ सी पी के अंदर देखने को मिलेगी ये स्टोर करेगी डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट ये है आपकी रीड राइट मेमोरी जो स्टोर करती है डेटा को अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग जब तक मशीन जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है तब तक डेटा को स्टोर करके रखेगी जैसे ही आपकी मशीन स्विच ऑफ होती है तो डेटा आपका इरेज हो जाता है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं रैम को वोला तो वोला क्यों कहते हैं इसे क्योंकि जो डेटा इसके अंदर स्टोर्ड है वह तभी तक रहेगा जब तक आपकी मशीन वर्किंग है उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी पावर दे रखी है जैसे ही पावर फेलियर हो जाएगा तो आपकी क्या रहेगा जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेटा स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर और इफ़ देयर इज ए पावर फेलियर अ बैक तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं यू का तो यू क्या है अन इंटरप्टेबल पावर सिस्टम जिसे हम ऑफन कंप्यूटर के साथ आपने देखा होगा लोग यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमने डेटा जो भी हम फाइल बना रहे हैं अगर इनकेस पावर फेलियर हो जाता है तो वह डेटा इरेज ना हो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं रैम इज़ स्मॉल बोथ इन टर्म ऑफ इट्स फिजिकल साइज़ एंड इन अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड तो जो रैम है ये स्मॉल है आपकी साइज में भी ठीक है और इसके अंदर आपको मैं आप एक चीज़ बताती हूँ जैसे कि ये है आपका सी पी यू ठीक है सी पी यू के अंदर आपका क्या रहता है ए एल यू ए एल यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं रजिस्टर्स ठीक है फिर सी पी यू के अंदर मैंने क्या बताया आपको रैम होती है ठीक है रैम के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगी स्टैटिक रैम और डायनमिक रैम तो इसके आगे आपको हम पढ़ेंगे अभी स्टैटिक डैम और स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम लेकिन रैम का अपडेटेड जो आपका रहता है वर्जन वो है आपकी कैश मेमोरी अपडेटेड मेमोरी ठीक है तो बेसिकली क्या रहेगा जो आपकी स्टैटिक डायनामिक रहेगी आपकी आ, जो आपकी स्टैटिक रैम रहेगी वो रहेगी आपकी कैश मेमोरी के साथ काम करेगी और डायनामिक आपकी रहेगी रैम के साथ जैसे कि अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था हम आगे रैम की तीन टाइप्स हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और तीसरी है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है तो देखिए जो आपकी रैंडम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इट इज़ अ फिजिकल मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स द टर्म डायनामिक इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है डायनामिक टर्म तो ये इसमें बताता है कि जो मेमोरी होती है उसे हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है नहीं तो वो अपना कंटेंट लूज कर देती है द टाइप ऑफ मेमोरी इज़ मोर इकोनॉमिक इकोनॉमिकल तो चीप होती है ये मेमोरी तो बेसिकली अब हम बात करें स्टैटिक की तो स्टैटिक में क्या रहेगा ये फास्टर है लेस वोला है देन डी रैम और इसको चाहिए ज़्यादा पावर और ये मोर एक्सपेंसिव है बट इसका बेनिफिट क्या रहता है इसके अंदर हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि हमें डी रैम में करना पड़ता है तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डी रैम और एस एस रैम इम्पॉर्टेंट है एस डी रैम की सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लेना सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नेक्स्ट हम अच्छा पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ़ास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है तो जो सी पी यू की जितनी पास होगी वो फ़ास्टेस्ट होगी ना तो सी पी यू में आपका ए एल यू है ए एल यू के आपके क्या लगे अंदर रजिस्टर रजिस्टर भी मेमोरी है ना मैंने आपको बताया था फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे आती है रैम ठीक है और इसके ऊपर क्या रहता है आपका कैश है मेमरी देन आपका स्टैटिक रैम देन डायनामिक रैम तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा फ़ास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है तो जो सी पी यू के पास होगी तो कौन सी है वो है रजिस्टर फिर आएगा आपका कैशे फिर आएगा आपका रैम ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि इसका नाम बता रहा है रीड ओनली इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो राइट नहीं कर सकते इस टाइप की ये जो मेमोरी रहती है ये नॉन वोलाटाइल होती है जैसे हमने रैम के बारे में बात की थी वो वोलाटाइल थी लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है द इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर तो इसमें क्या रहता है जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है वो क्या रहती है आपकी परमानेंट रहती है उसे आप इरेज नहीं कर सकते आप उसमें फ़र्दर राइट नहीं कर सकते A ROM stores such instructions that are required to start a computer. This operation is referred to as bootstrap. तो so basically ROM क्या करता है ये store करता है instructions को जिसकी हमें requirement होती है जब हम computer को start करते हैं जो ये operation हम इस operation को क्या बोलते हैं जब ये computer starting होती है आपकी तो उसे बोलते हैं bootstrap. ठीक है Next बात करते हैं type of ROM की तो ROM आपके पास आते हैं दो तरह के कौन कौन से हैं तीन तरह के हैं ये भी वैसे लेकिन हम दो तरह के आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये हैं आपके एक है आपका एम रोम एक है पी रोम एक है आपका ई पी रोम एक है ई ई पी रोम तो ये चार हो गए तो एम रोम है आपका मास्ट रोम ठीक है इसकी फुल फॉर्म याद रखना पी रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो बेसिकली इसके अंदर क्या बात की जाती है पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मोडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र द यूज़र बाइज अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर्स द डिज़ायर्ड कंटेंट यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें सिर्फ मोडिफाई कर सकते हैं हम प्रोग्राम को कितनी बार एक बार सिर्फ ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं ई रोम की दैट इज़ इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था रीड रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते लेकिन ई रोम में हम इरेज कर सकते हैं तो कैसे इरेज किया जाता है इसमें तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यू लाइट का यू की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट लाइट तो ये लगातार आपको 40 मिनट्स के लिए वहाँ पे लगानी पड़ती है जिससे कि क्या होता है आपका चीज़ें जो भी आपने फंक्शंस को आपने जो भी डेटा को इरेज करना होता है आप उसे इरेज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए टाइम देखे 40 मिनट्स आपको लगाने पड़ेंगे अब बात करें ई पी रोम की तो ये है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो इसके अंदर क्या रहेगा It is programmed and erased electrically. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट फोर टू टेन मिली सेकेंड्स तो देखिए जैसे कि कंप्यूटर के लिए तो हमें बहुत जल्दी काम करना होता है तो उसके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी ई e पी ई e पी -E रोम ना क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा आपका डेटा इरेज हो जाएगा जल्दी आप उसको री प्रोग्राम भी कर सकते हैं दस हज़ार टाइम्स आप उस चीज़ को कर सकते हो और इसके अंदर टाइम कितना लगेगा आपका फोर से टेन मिली सेकेंड तक तो इसलिए ई ई पी रोम में आपको बहुत कम समय लगता है और अगर हम देखें एम रोम की तो ये बेसिकली मैं आपको इसकी डेफ़िनेशन बता देती हूँ द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड वायर डिवाइस तो हार्ड वायर डिवाइस होती थी दैट कंटेंड अ प्री प्रोग्रामड सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस दीज काइंड ऑफ रोम्स तो उनको हम बोलते थे आपके एम रोम मास्ट रोम ठीक है तो इसमें आपके इस टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं फास्टेस्ट मेमोरी जैसे कि मैंने आपको बताया अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कैश मेमोरी टिक कर आते हैं अगर रजिस्टर्स आपको ऑप्शंस में नहीं दिया गए नहीं दिया जाएगा तभी आप कैश मेमोरी को टिक करेंगे क्योंकि देखिए सीपीयू में मैंने कहा था जो सीपीयू के सबसे पास मेमोरी होगी वही आपकी फास्टेस्ट होगी ठीक है रजिस्टर फिर आपका मैंने बताया था कैश मेमरी देन था आपका रोम ठीक है तो सबसे पहले आपकी रहेगी ये नंबर पे सेकंड पे रहेगी आपकी ये और थर्ड पे रहेगी आपकी ये तो इस सीक्वेंस को आप याद रखना ठीक है बाकी इसके अंदर आपको क्या आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए सबकी आपको ये पूछा जा सकता है ई ई पी रोम में ई e की फुल ई e किस चीज़ को डिनोट करता है तो वो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है ठीक है तो वो किसको करता है डिनोट बट इलेक्ट्रिकली को ठीक है तो इस चीज़ में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो नेक्स्ट इस चीज़ में क्या पूछ सकते हैं आपको आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है तो ऑप्शन में रैम रोम दोनों होंगे तो कौन सी वोलाटाइल है तो वो है आपकी रैम ठीक है ए एल यू की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे तो इसके अंदर बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है अगर आपको इस टॉपिक की और जो मैंने आपको पहले टॉपिक करवाया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और जिसके हम जिसमें हमने हिस्ट्री भी डिस्कस की थी अगर उनके क्वेश्चंस चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हम नेक्स्ट सेशन में फिर इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन